अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज़ सैयद कामरान हुसैन शाह और आज हम बात करेंगे सी एस एस से जुड़े हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट योर सी एस 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 ए प्रिप्रेशन स्क्रैच सो लेट्स गेट स्टार्टेड आपके जो सी एस एस की पूरी जर्नी है उसमें अगर आपका एक मेन हर्डल जिसको मैं कहूँ जो आपकी जर्नी को डिफ़ाइन करता है वो मेन हर्डल आपका ऐसे हो सकता है उसकी वजह यह है कि हर साल आपको ऐसे में तकरीबन 80 परसेंट लोग जो हैं वो फेल होते हुए नजर आएंगे इवन दो दे हैव वेरी गुड मार्क्स इन देयर अदर सब्जेक्ट्स तो अगर हम इस ऐसे के एलिमेंट को बेहतर तरीके से समझ लें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं बिफोर आई स्टार्ट टिंग अबाउट सर्टन स्टेप्स मैं प्रिपेयर योर सी एस 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 ए आई बिलीव कि मैं आपको एक थोड़ा सा एक जर्नरल ओवर व्यू दे दूँ कि आप ऐसे के कुछ मुख्तलिफ एरियाज होते हैं जिन्हें हम टारगेट करते हैं और अगर हम उन्हें सही तरीके से उन एरियाज़ को अप्रोच कर लें तो हमारी प्रिपेषन की जो प्रॉपर हमने एक टाइम लाइन डिज़ाइन करनी है उसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी आपके सी एस 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 ए की प्रिपरेशन में आपने तकरीबन चार एरियाज के ऊपर जो है वो अपना मेन फोकस रखना है नंबर वन एरिया इज योर स्ट्रक्चर आपने सीखना है कि आपके ऐसे का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ आउटलाइन राइटिंग इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द रीज़न इज इफ यू डोंट लर्न द ऐसे स्ट्रक्चर तो आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं विच आर मैन टू कन्विंस द एग्जामिनर वो बड़े ही ऑर्गेनाइज uh, मैनर में आपको नहीं नज़र आएंगे उस तरीके से आप अपनी डिबेट को बेहतर तरीके से लेके नहीं चल सकते